कॉपी हो गया सबका? यस सर। मैंने नीचे तीन क्वेश्चन दिए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। पहले में करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है एल्युमिनियम आयन के लिए, दूसरे में TLI3 का आयनाइजेशन बताना है, और तीसरे में एलिमेंट शो सिमिलरिटी विद सोडियम बताना है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर आंसर बता दीजिए। सर हाँ जी सर, सेकंड क्वेश्चन में बी और सी ऑप्शन सेम है शायद। सेम कर दिया क्या मैंने इतना ध्यान देने के बाद भी? बस अभी ठीक है। करिए फटाफट। सर अब ऑप्शन ए और बी सेम हो गया। क्या जी? सर अभी ऑप्शन ए और बी क्वेश्चन टू में शायद सेम है। यस सर। अभी ठीक है? एक सेकंड ना, ओके करेक्ट आंसर पहले सेट कर दें। ठीक है। सर क्वेश्चन थ्री का मतलब क्या है सर? एलिमेंट शोज सिमिलर विद सोडियम। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, जब आप नहीं कर पाएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा और मतलब भी बता दूंगा। सर उसका इंग्लिश ही मुझे समझ नहीं आ रही। हो गया सबका भाई? यस सर। हाँ सर। ठीक है। पहले का आंसर ए नहीं है। हाँ सी, सॉरी सी। पहले का आंसर है सी। दूसरे का आंसर डी। डी। और तीसरे का आंसर भी डी। अब बताओ क्या आया और क्या नहीं आया आपको? सर I3 वाला नहीं आया सर, वो TL से कर दिया मैंने। हाँ कोई पूछे ही सिर्फ इसी रहता भैया, TL का प्लस वन ज्यादा स्टेबल होता है, तो TL जब कभी भी आयनाइज होगा तो इट गिव्स TL का प्लस वन एंड I3 का माइनस वन। ये क्वेश्चन ऑफिशियल एग्जाम के पूछे हुए तीनों क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन थ्री भी इसी बात पर ही था कि TL का प्लस वन स्टेबल है, SI का प्लस फोर स्टेबल है, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री स्टेबल है, मैग्नीशियम का प्लस टू स्टेबल है, और सोडियम का प्लस वन स्टेबल है। तो प्लस वन चार्ज होने की वजह से थैलियम के सारे कंपाउंड जो हैं सिमिलर होते हैं सोडियम के। ये रीजन है कि थैलियम को एक अलग सा नाम भी दिया गया है, थैलियम इज कॉल्ड डक बिल्ड प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता है डक बिल्ड प्लेटिपस क्या है? सुना है लेकिन पता नहीं। यस सर। क्या कैरेक्टर है? तो वो एक मामल है जो एग्स ले करता है, एंड लाइक मामल्स एग ले नहीं करते, तो वो एक मामल है। करेक्ट। तो बायोलॉजी में ऐसे एनिमल्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते थे, कनेक्टिंग लिंक। याद आता है, जब एक एनिमल एक से ज्यादा फैमिली के कैरेक्टर शो करता है तो उसे हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इन द सेम मैनर थैलियम जो है ग्रुप थ्री का मेंबर है, एंड इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन।
तो हम थैलियम को भी डक विल प्लेटिपस या कनेक्टिंग लिंक ऑफ ग्रुप 3 और 1 बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा। सर टिकी तो मारना है, हो गया सबका कॉपी। सर एक क्वेश्चन था। सर हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन में AL3+ के बाद AL+ इसके लिए आ रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, राइट? ऐसा नहीं है ना कि लाइक जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा? ना, मैंने पूछा इसीलिए। और लोगों का लॉजिक भी क्या रहता है, ज्यादातर लोग 3-2-1 या 1-2-3, वो कोई सेंस ही नहीं है। पॉसिबल नंबर की बात करो, पॉसिबल इज 3 और 1 ओनली, इसमें 3 इज मोस्ट स्टेबल एंड 1 इज लीस्ट स्टेबल, 2 तो होता ही नहीं, इसलिए उसको सबसे लास्ट में डाल दिया। ओके सर। अच्छा, जिन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी उन्हें समझ में आ गई है क्या? सर अच्छे दोस्त है मेरे पास। ट्रांसलेटर ले लो एक तुम। ये हो गया है सबका? हाँ सर। मेरा भी हो गया है। अब मॉड्यूल पर आ जाएं और फटाफट से क्वेश्चंस बोलना शुरू करें। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड की जरूरत खत्म, और मॉड्यूल डिस्कशन पर आ जाइए। अच्छा एक और चीज बता देते हैं, एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया है वो आप जरा ट्राई करो, देख रहा था ऑफिशियल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताना है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई करिए भाई। सर मैंने आंसर भेज दिया। ठीक है, बाकी लोगों को भेजने। सर ऑप्शन को चूज कैसे करना है? पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से देखो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, दूसरे में से देखो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, फॉर्मूला ऊपर दे दिया है, लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुम कह रहे हो ऑप्शन कैसे चूज करना है। वाओ,
हुआ भाई सबका? ये जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके आंसर्स नहीं आते हैं, इंतजार मैंने गलत उसको भेज दिया क्या? क्या जी? सर मैंने गलत शायद उसको भेज दिया। गलत भेज दिया मतलब? सर आप दो डिवाइस आते ना, मेरा ऑडियो जिसमें आ रहा है उससे भेजो। फटाफट से भेजो भाई। पीए 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 तो पेंट स्लो है ना। सही में रिपल्शन देखे 90 डिग्री या 120 डिग्री, फिर जहाँ पे ज्यादा रिपल्शन है वहाँ पे ज्यादा वीक वीक बॉन्ड वीक हो जाएगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डालेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखिए जरा करने का तरीका ये है, बेंट रूल तो काफी बड़ा है लेकिन आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको एस डेफिनेशन और दुनियादारी सब याद नहीं रखना है कि जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा शुड बी प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। दो पोजीशन होती है, ये एक्सियल है और ये नीचे जो साइड में प्लेन पे दिख रही है वो इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी है उसे एक्सियल पोजीशन पे रखना है तो ही रिपल्शन मिनिमम होगा। ये यहाँ पर देखिए, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी आप देखिए, दूसरे वाले में भी देखिए, बस इतना ही देखना है, बाकी सब कुछ देखना ही नहीं था, हो गया। और ये पूछा ऑफिशियल एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कर लीजिए फटाफट से कॉपी जरा। सर इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी वापस बताओगे? बाकी सारी पोजीशन अप डाउन छोड़ दो, जो प्लेन पर है वो इक्वेटोरियल है। अच्छा ओके सर, ऐसे समझ लो, ये एक्सेल ये इक्वेटर, आपका इक्वेटर इसी को तो बोलते हैं ना। यस सर, यस सर। हाँ तो वो उसी तरीके से ही दिखाया जाता है, ये स्फेरिक ये इक्वेटर आपका। सर ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट एक्सियल पोजीशंस और इक्वेटोरियल पोजीशंस, आप जैसे चाहे बोल सकते हैं। ओके सर, मैंने वो बोला है जो लैंग्वेज क्वेश्चन में मिलती है।
हो गया कॉपी? यस। ठीक है, अब मॉड्यूल निकाल लीजिए। चलिए 1 to 10 बोलिए। 5, 10। और वैसे 7th वाले में बस एक चीज कंफर्म करनी थी कि उसका आंसर खाली स्ट्रक्चर से आएगा ना। लिख दो बेटा, मैं कंफर्म डिस्कशन एक ही साथ करूंगा, मैं लिख देता हूँ। ओके सर। अप टू 21 11। और अप टू 21 और कोई? सर 16 और 18। कौन सा 17 भी बोला किसी ने क्या? हाँ 17। ठीक है, और बोलिए। 20। 21 नहीं चाहिए ना? ठीक है चलो, VACPR पर आते हैं अभी। 1 to 10। 9। 1 to 10 में सिर्फ 9 है। 11 to 20 19 19 19। ठीक है, नेक्स्ट अप टू 20 हो गया, अप टू 30 21 21 ओके 31। देखो इसमें से 9 और 19 जो है वो आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए आपको नहीं आया होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। जब तक आपको ऑर्गेनिक के कुछ रूल्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। सर बस ये C2C3 क्या होते हैं सर? कार्बन का नंबर दिया है तुमको, वही तो बोले ऑर्गेनिक में सीखेंगे आप, तब आएगा आपको। ठीक है सर। हाँ, ये इसीलिए नहीं आए होंगे। ये दोनों छोड़ी दो। 31 तक हो गया। बॉन्ड पैरामीटर पे आ जाइए जरा। 1 1 to 10 1 so 4 1 to 10 5 sorry 1 to 10 में क्या बोला आपने? और 5 और कोई? 8 11 to 20 12 14 12 के बाद 13 14 1 4 13 नहीं। अप टू 20 और कोई? अप टू 25 सर। सर 14 नहीं, सॉरी 15। अप टू 25 24 25 23 25 हो गया। चलो पोलार पे आ जाते हैं। 1 to 10 पोलार में? 6 7। 6 7 और कोई? 7 9 7 9 10 हो गया। 1 to 10 11 to 20
20 से पहले कोई नहीं, अप टू 26, अप टू 26, 24 और 20, 24 22, क्या कह रहे, 22 की 23, 22, 22, डबल टू, ओके, 26 हो गया, ये खत्म, 24 ऑलरेडी लिखा आपने, कुछ लोगों की आदत होती है ना, अचानक से जागेंगे फिर बताएंगे, देखना नहीं है कि लिखा हुआ है। MOT 1 to 10, 4, 3, 4, up to 10, up to 10, up to 20, 19, सीधे 19, 18, 19, हो गया, हाँ सर, इसके बाद एच बॉन्ड, वन टू टेन, सेवन, अप टू 20, 14 and 17, 17 or 20, 20 तक हो गया सबका, up to 27, और कोई, फिनिश, गेट इक्विप किया है, यस सर, काम करते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं फिर गेट इक्विप बनाते हैं, ओके सर। सेवेंथ किसका डाउट है सर? मुझे खाली कंफर्म करना था कि इसका आंसर स्ट्रक्चर के थ्रू से आएगा ना? हाँ 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 हाँ, ओके सर, ठीक है। नंबर 10, द कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट, किसका डाउट है? मेरा सर। क्या प्रॉब्लम बेटा?
सर समझे आपको बताया आयनिक बॉन्ड केवल एस ब्लॉक बनाते हैं और तो किसी में आयनिक दिख भी नहीं रहा है, ये है केसीएन का स्ट्रक्चर। अब आप बताओ आपको नहीं दिख रहा आयनिक और कोवेलेंट दोनों? इलेवेंथ किसका है? करो काउंटिंग, ये स्ट्रक्चर बनाया था आपने ऐसा? हाँ सर डबल काउंटिंग करिए काउंटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग 16 शेयर्ड और 8 अनशेयर्ड, 16 शेयर्ड 8 अनशेयर्ड, पहले से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनशेयर्ड में आएंगे आपके 1 तो यहाँ तो 4 8 बराबर है। देखो भाई जरा 8 अनशेयर्ड है, जितने बॉन्ड्स हैं इनटू 2 कर दो आपको शेयर्ड मिल जाएंगे। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? यस सर। और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है हमेशा, ये देखो इनको काउंट कर लो, ये अनशेयर्ड हो गए। Yes. ठीक है ना, 11 yes. 16 16 किसका है? सर मेरा। 16 में क्या प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ, मुझे लग रहा है मैंने क्लास में डिस्कस किया था टेट्रासाइनोइथाइलीन, नहीं किया डिस्कस? किया सर, सबसे पहले आपने यही बोला था इसमें ये केवल आपको फॉर्मूला नहीं आता और इसमें और कुछ तो प्रॉब्लम आता नहीं है, और फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या अभी आपने सीखा नहीं है, सीख जाओगे तो ये सब में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर सही बनेगा तो काउंटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। देखो सिग्मा पाई काउंट कर लो, हो गया। ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ सर। 17 ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना आपका, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। अब जैसे ये जेड 17 वाला किसका है? मेरा। देखिए हमेशा देखिए जिस एक्सिस पर आपसे मांगा जाए वो एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, जिस एक्सिस पे आपसे मांगा जाए मतलब ये कि एक्स और एक्स जो है वो जेड पे जा सकता है, वाई और वाई जेड पे जा सकता है, पर जेड जेड पे कभी नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अगर एक्स एक्सिस के लिए पूछते तो क्या पॉसिबल होता? वाई वाई जेड जेड। अगर वाई के लिए पूछते तो क्या पॉसिबल होता? एक्स एक्स और जेड जेड, वाई हाँ सॉरी जेड जेड, तो परपेंडिकुलर जाता है, तो जो इन्वॉल्व है वो उसको छोड़ दीजिए बाकी जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, दो क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, पूछा भी है 17 18 दोनों ही पूछा है, तो 17 समझ आ गया आपको? हाँ। 18 भी, 18 किसका है? सर मेरा। एकदम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है सर, बट सी वाला पॉसिबल कैसे हो सकता है, लाइक एस और पी कैसे मतलब पॉसिबल है वो कॉम्बिनेशन? एस और पी तो मान भी लेते कि ये 2s और वो 4p है, तो एक बार नहीं पॉसिबल होता, लेकिन वो तो सेम एनर्जी पर है। ये देखिए कोई राजेश जस करके हैं, भाई को एंट्री चाहिए, वेटिंग रूम में है, 4:30 बज रहा है, कितने बजे का लेक्चर था अपना? 3:30 बजे का। हाँ जी तो राजेश करके हमारे बैच में कोई भी नहीं है। अरे क्या बात हो, राजेश जस JS? नहीं सर। तो नहीं सर। नहीं, नहीं है सर। तो फिर हो सकता कोई नाम बदल करके, ये जो भी है बाहर ही रहने दो। 18 तक हो गया, 20 इसमें है हमारा
NH3 and BF3 form an adapterately because in it. किसका डाउट है ये 20th सर मेरा देखो ये ना ये भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है फिर भी चलो ट्राई करते हैं अमोनिया के पास कनेक्ट कर देते हैं ना बोरॉन ट्राई और BF3 के पास BF3 जो है डेफिशिएंट है ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो ये रिच है और ये गरीब है तो रिच वाला गरीब को दे देगा कौन सा कौन बना दिया ये हमने कोऑर्डिनेट हो गया ओके सर अब भी SEPR पे 9 और 19 डिस्कस नहीं करना है मुझे ना 21 31 करना है नंबरिंग कर दें अब जो लोग कॉपी कर रहे हैं अपने हिसाब से नंबरिंग देख लेना 21 ये मैंने आपको पीरियोडिक नहीं बताया था पीरियोडिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बताया था आपको क्यों भाई भाई लोग किया था सर ये तो अपन ने किया है ना वहां पे किसका डाउट है 21 ऐसे देखो परसेंट एस कैरेक्टर करके लिखाया था मैंने और ये भी बोला था किसके क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं जिसका भी डाउट है ये फॉर्मूला होता है एक बार नोट खोल के देख भी लिया वहां भी करा हुआ ये 31 MLX अच्छा MLX वाला पूछा है किसी ने इसके सिमिलर एक और भी क्वेश्चन था मिली नहीं रहा एक सिमिलर क्वेश्चन था बट चलो आपको उन्होंने देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी सराउंडिंग में तो सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ तो चार बॉन्डिंग हैं दो एंटी दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम सिक्स है अगर सिक्स है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 d2 अब sp3 d2 में जरा आप चेक करके बताओ कि प्लेनार होने के लिए कितने बॉन्ड पेयर चाहिए होते हैं वही एक्स का वैल्यू हो जाएगा चेक करके बताओ दो दो चाहिए होते हैं भाई प्लीज आंखें खोल के देखा जाए फोर फोर तो वही आंसर हो गया उसका उन्होंने प्लेनार वाला पूछा है आपसे समझा यस सर हो गया VSEPR काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है किसने पूछा है क्यों भाई किसका क्वेश्चन है आपकी आवाज में धीमी आ रही धीमी आ रही मेरी आवाज दे दे तेज करना अभी आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 किसका बेटर है तो मेरा क्या डाउट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है गुड क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है वीक का मतलब क्या होता है नहीं पता वीक नहीं पता है हां सर ये मतलब तुम कैसा मतलब हिंदी में कमजोर हो कि इंग्लिश में वीक हो सर दोनों साइड पे बहुत स्ट्रांग हो सर और तुमको स्ट्रॉन्ग का मीनिंग नहीं पता लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो वाओ सर व्हाट डू दे मीन हियर व्हाट डू दे मीन बाय स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ज्यादा एनर्जी है बॉन्ड लेंथ क्या ऑब्वियस है स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करोगे एनर्जी से ही कंपेयर करोगे ना सर एनर्जी से करते सर अभी पता चला और तुम किस चीज में स्ट्रॉन्ग हो तुमने कैसे कंपेयर किया अपने आप को सर मैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हूं और मैं अभी CA देने वाली हूं दिसंबर में और हिंदी में कमजोर सर हिंदी में सर टीचर्स ही रेफरेंसेस खोल के चलो स्ट्रेंथ कंपेयर करना है वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए बट यहाँ पर आप सिंपली साइज डिफरेंस को देख करके समझ सकते हो हाइड्राइड जनरली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ठीक है तो कैसे हमने बोल दिया ये अभी हमने ऐसे ही बोला है बाद में हम आपको जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सिखाएंगे तब आपको बता पाएंगे ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ठीक है सर है ना फिलहाल के लिए मार्क कर दो उसको 1 के बाद है 4
अरे इनसॉल्युबल इन वाटर, अरे इनसॉल्युबल है ना, किसका डाउट है सर? मेरा, हम लोग उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, वो मुझे समझा, बट मुझे सी और डी में नहीं समझा कि इसमें ज्यादा कोवेलेंट क्या है, और ऊपर से ये भी नहीं पता कि सिल्वर है। बेटा एक सेकंड, सी और डी के बारे में तुम सोच ही क्यों रहे हो? सी और डी तो आयनिक कंपाउंड है ना। बट सर अगर हम दोनों इन दोनों में अगर कंपेयर करना चाहे तो फिर ज्यादा आयनिक कौन सा है, क्योंकि पोटेशियम और ऑब्वियसली के केबीआर सर, बट बीआर अगर एनायन कंपेयर करने जाए तो बीआर तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कितना सोचोगे। हमेशा कैटायन पे फोकस किया जाता है, ठीक है? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, लिखाया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड, याद आ रहा है? यस सर। इसके बाद पोलराइजेशन कराया था आपको। हाँ सर। वहां पर आपको बोला था जैसे जैसे आप नीचे आते हो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। यस सर। आपने देखा कि कैटायन को फोकस कर रहे हैं बार बार, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, बाकी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में हम आएंगे ना, तो अलग अलग कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा कि आप इतना याद रखो कि कंपाउंड अगर एस ब्लॉक का है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ग्रुप वन है तो बहुत सॉल्युबल होगा, ग्रुप टू है तो थोड़ा कम सॉल्युबल होगा, इसके बाद सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है कहीं। ओके सर, तो मुझे वही था कि एनायन को ज्यादा प्रेफरेंस दो कि कैटायन। अभी मत दो, वो फिर लैटाइस एनर्जी से देखा जाता है। सिल्वर और कैल्शियम में कौन सा बड़ा है, लाइक इसमें बेटा सिल्वर और कैल्शियम में ज्यादा बड़ा कौन है? अभी बड़ा टेक्निकल आंसर है कि भाई पीरियोडिक टेबल में ना एस ब्लॉक से बड़ा कोई नहीं है, जीरो ग्रुप को छोड़ के। ओके, तो बाकी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। चार पांच, फिफ्थ किसका है? फिफ्थ भाई बोलो, कोई नहीं है, वेरी गुड। एट्थ किसका है? अच्छा मेरा, वेरी गुड। क्या नहीं है बेटा इसमें आपको? सर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से करना है क्या, लाइक एमओटी का यूज करके? आप देखो कराया हुआ क्वेश्चन है, आप नोट्स में जाओ देखो जरा, ये क्वेश्चन कराया मैंने लास्ट लेक्चर में। ओके सर। कराया कि नहीं कराया? हाँ कराया, मेरे को पूछना था कि एमओटी से ही होगा ना कि लाइक और कोई मेथड है। बहुत अच्छी बात ये है कि जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है देखो वहाँ बॉन्ड पैरामीटर लिखा हुआ है, बॉन्ड पैरामीटर से सिर्फ बॉन्ड लेंथ और उसमें ही आते हैं बॉन्ड ऑर्डर एमओटी में। ओके सर। इसके बाद है 12, कोवेलेंट इज मैक्सिमम, किसका है क्वेश्चन? समीरा। क्या नहीं है? तो कैसे करेंगे इसमें? कैसे करेंगे, गुड क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला कि एस ब्लॉक का होगा तो आयनिक होगा, ये याद आ रहा है? यस सर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या होता है, आयनिक ही कोवेलेंट, आयनिक होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाए तो कोवेलेंट का एक्टर ज्यादा, ठीक है? आपके पास यहाँ पर तीनों में सोडियम है, सोडियम के बारे में सोचना नहीं है, फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब इन तीनों में देख करके बताइए कि ज्यादा कोवेलेंट या कम आयनिक कौन बनाएगा। तो समझा कि नहीं? यस सर। सी और एन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कम में डिफरेंस। और कोई तरीका हो सकता था कैसे देखने का? नाइट्रोजन का सॉरी सोडियम का साइज बढ़ रहा है। सोडियम का साइज कैसे बढ़ रहा है भाई, सोडियम तो सोडियम ही है। ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, नो सोडियम। नहीं, और कोई बताएगा? चार्ज, चार्ज किसका? मल्टीप्लिकेशन का चार्ज, माइनस वाले। हमने पजांस रूल में पढ़ा था एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। yes. देखिए F पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस टू, नाइट्रोजन पे माइनस थ्री है, दिखा? यस सर। ये है फैक्टर मेन, लिख लीजिएगा। फिफ्टीन किसका है? सर मेरा। सर इसमें A और C में डाउट है। A और C में,
देखो कोई एक्सेप्शन तो था नहीं, H2S और अमोनिया में किसका ज्यादा होगा, तो H2S में दो दो लोन पेयर होते हैं और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो किसका किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ? इसमें कम है तो अमोनिया, तो बस फिर क्या प्रॉब्लम क्या है सर? सी वाला, सी वाले में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। हाँ सर, हो गया क्वेश्चन? तो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ सर, मुझे डी ऑप्शन भी नहीं आया। कौन सा? डी, दिल्ली डी। हाँ सर, तो CH4 वाला। वाव वाव जानवी, वेरी गुड। CH4 में कितने लोन पेयर हैं? जीरो। मार्क्स के बराबर है कि ज्यादा है? ज्यादा है सर, काफी ज्यादा है मार्क्स से तो ना। और H2S में कितने लोन पेयर हैं? दो। तो कैसे इक्वल हो सकता है? इक्वल कैसे हो सकता है, समझा कि नहीं लॉजिक? तो मैं कुछ गलत देख रही हूँ क्या सर? ये कुछ नया थोड़ी ना होगा अगर आप ऐसा कर रही होंगे तो। मैं फिलहाल आगे चलता हूँ, आप देखिए गलत सही। तो नहीं समझा मुझे। क्या नहीं समझा सर? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि CH4 में कितने लोन पेयर हैं? दो। CH4 में दो लोन पेयर है, आपके घर का CH4 है? नहीं सर, CH4 में जीरो है। और H2S में कितने लोन पेयर हैं? H2S में कितने लोन पेयर हैं? दो। तो कैसे इक्वल हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सुन भी रही हो और समझ रही हो। सर उसका 180 होना चाहिए था, लेकिन 180 होना चाहिए था? नहीं सर, सर लोन पेयर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है, तो 180 से वो कम हो के 90 हो गया ऐसा कुछ। नॉनसेंस कर रहे हो, वहां सीक्वेंस लिखे हुए हैं, मिस प्लीज जाकर वहां पे देखिए जरा रूल्स में। H2S SP3 हाइब्रिडाइज होता है, तो अगर SP3 है तो 180 कैसे हो गया? हाँ सर नहीं हुआ, पता नहीं कौन, वही तो कह रहे कौन सी दुनिया में आप, आप ही जानिए। मैं बता कुछ रहा हूं, आप 180 पता नहीं कहां से निकाल दिया आपने। बैठ करके नोट्स जरा खोल के पढ़िएगा। 23 सर, सर तो उसका फाइनल आंसर क्या है? किसका? उसी 15 का फाइनल आंसर सी। ठीक है सर। 23 किसका डाउट है? 23 सर मेरा। बेटा क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? मुझे नहीं समझा कैसे करना है, लाइक उसका आंसर। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे NH2- का हाइब्रिडाइजेशन बता दो केवल। सर SP3 SP3 कितने लोन पेयर हैं? दो। दो लोन पेयर हैं। अब आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट करिए जिसमें दो लोन पेयर आप दिखा रहे हो, और SP2 दो लोन पेयर स्ट्रक्चर कैसा होगा? वी शेप होगा। अब सेलेक्ट करिए आप जहां पे वी शेप हो और दो लोन पेयर हो। देखिए वी शेप स्ट्रक्चर तो केवल ए और सी में दिख रहा है, पर ए में लोन पेयर के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्बिटल भी दिख रहा है, सी में देखिए दो ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं। यस। तो आंसर समझ आया? हाँ हाँ। हो गया 23 24। बॉन्ड एंगल इज मिनिमम। किसका डाउट है ये? मेरा। मैंने NOCl और H2SC में कंपेयर कैसे करना है? हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे। SP3D2 SP3D2 आया। अच्छा 5+1/2। हां सॉरी SP2 कितना आया? SP2
और अगर sp2 आए तो बॉन्ड एंगल कितना होता है सर? 109.109 sp2 का 109 कब से हुआ? वन सेकंड सर, 120 होता है। 120 होता है। अब जरा h2se का बता दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 क्या है? sp2 with two lone pairs। अच्छा उसका sp2 आ रहा है, भाई क्या कर रहे हो यार? तो एक मिनट, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, शॉर्टकट बताया आपको, आपका हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग है। 1/4 सर sp3 आया। sp3 कितने लोन पेयर सर? 2। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल तो sp3 का ही होता है, और दो लोन पेयर हो गए तो और भी कम हो गया। yes. मिनिमम नहीं हो गया? यस सर। फिर 23 के बाद है हमारा 5। किसका डाउट है 25? मेरा ही। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तुम्हारा तो हाइब्रिडाइजेशन ही जब गलत है तो आंसर कहां से आएगा? बताओ जरा क्या होगा? sp3d। sp3 कितने लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं लग रहा, 4 पॉइंट्स है। क्या बात है, विदाउट लोन पेयर निकाल दिया तुमने? इट्स अ 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 1/2। ये क्या कर रहे हो सर? दूसरा मेथड है सर, मुझे तो नहीं आता है वो, तो मुझे नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने जो बताया था उस शॉर्टकट से लोन पेयर आता है, और लोन पेयर आने के बाद ही आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे, आप इसके पहले स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। yes. फिर आप अपने मेथड से मुझे लोन पेयर बता दीजिए, फिर स्ट्रक्चर आ जाएगा। बताइए। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए आप आराम से, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पोलार वाला। Among the following number, the one that is polar and sp2 hybridization. ठीक है। तो one lone pair। One lone pair। तो structure कैसा होना चाहिए? seesaw। हाँ? seesaw। seesaw का मतलब पता है ना? हाँ sir, 4-1। हाँ sir। ऐसा होता है सीसो। देख लीजिए अब क्या हो गया बॉन्ड एंगल 180। क्वेश्चन नंबर 6 किसका है? पोलार कोवेलेंट डाइपोल मोमेंट वाले में। बोलिए भाई। किसी का नहीं है, छोड़ देते हैं। सेवेंथ है किसी का? वेरी गुड, सेवेंथ भी नहीं है। नाइन्थ है किसी का? सर सेवेंथ मेरा था बट कंपाउंड सर, कंपाउंड का नाम लिख के। अच्छा नाम, फॉर्मूला नहीं पता है। चलो तो जब तक आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला नहीं आएगा। सर देखो मैंने क्लास में टॉलिन नहीं बताया है, बाकी सारे मैंने बनाए हैं नोट्स में, आप चेक कर लीजिए। टॉलिन को छोड़ करके बाकी के मैंने बताए हैं क्लास में, आप नोट्स रेफर करिए। नाइन्थ बोलिए किसका है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसने पूछा ये? चलो अच्छे बच्चे हैं। टेंथ? सर नाइन्थ मैंने पूछा। तो मुंह से बोलने में तकलीफ हो रही थी कुछ अभी तक? ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। वाह वाह मेरे लाल। अच्छा नाइन्थ नहीं आया आपको, नोट्स हैं आपके पास? हाँ सर। लेक्चर अटेंड किया था ना? हाँ सर। प्लीज डाइपोल मोमेंट का जरा चैप्टर खोलिए।
मिला कि नहीं मिला हमसे? बहुत सारे लिखे तो दिख नहीं रहा. हाँ मिल गया सर. ये क्वेश्चन मिला कि नहीं? ये वाला सेम एप्लीकेशन में देखिए जाके सेकंड पॉइंट कंपेयर द डाइपोल मोमेंट करके, उसमें बी वाला देखिए, पढ़ के बताइए प्लीज जरा लाउडली क्या लिखा है आपने. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन ऑफ एटम्स. इनवर्स क्या लिखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ द एटम. अच्छा ऐसा लिखा है वहां पे? हां सर. ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लिखा है वहां पे. अगर आपने कुछ और लिखा है तो फिर आप जानिए, वही सेम क्वेश्चन है वहां पे. आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से आपको. हां मिल गया सर. हां जी कभी कभी नोट्स पढ़िए भाई. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th किसका है? 10th किसका है? बस लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे. नहीं छोड़ दो. 20th किसका है? 20th किसका है? वेरी गुड सर. मेरा. तुमको तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा था माइक? नहीं सर मेरा अनम्यूट हो रहा था. तो बोलने में तकलीफ हो रही थी कुछ? नहीं सर. सर परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या होता है? परमानेंट गया तेल लेने से डाइपोल मोमेंट तुम्हें देखना है किसमें डाइपोल मोमेंट है और किसमें नहीं है, ये कंपैरिजन है आपका. ठीक है सर हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा तो इतना कॉन्फिडेंस है कि पूछो ही नहीं. 24 करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेरा डिक्रीजिंग पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? आयनिक नेचर. हाँ आयनिक नेचर. आयनिक नेचर. फिर तकलीफ तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर क्या करूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए ना, सबसे ज्यादा पोलर होगा. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? तो पर सबका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा नहीं लगा ना सबका, वो बदल रहा है सर. हाइब्रिडाइजेशन करूं? बदलने दीजिए भाई, बदलने दीजिए. हाइड्रोजन कॉमन है तीनों में सर. SO2. मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, वो सबसे पोलर होगा. हाँ सर. कौन सा है? HF. मैंने जब एटम पूछा है तो HF आंसर कैसे हो सकता है? फ्लोरीन. फ्लोरीन. उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन. उसके बाद चाहे जो भी है उससे कोई मतलब नहीं, तीन ही है हमारे अरेंज करने के लिए. अब उसके हिसाब से आंसर देख लीजिए. सर हाँ SO2 किधर आएगा वो भी तो पता होना चाहिए. लास्ट में ये जब मोस्ट है तो वो सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कैसे हो गया? कैसे होगा बिन? कैसे होना चाहिए आप सिखाइए मुझे. समझ नहीं पता. तो फिर मानिए जो बोल रहे हैं हम आपको. ट्वेंटी फिफ्थ है ना? नहीं क्या है? सर 22nd वहाँ आपने लिखा है, वो मेरा है 24 के साइड में. सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. हाँ अब आ रही है. 22 किसने पूछा था? सर मेरा है. क्या नहीं आ रहा 22 में आपको? सर OP और M क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट. तुम सामने होते मैं तुमको शाबाशी देता. डाइपोल मोमेंट के नोट्स खोलो. यस सर. और उसका सेकंड पॉइंट खोलो जहां पे कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखा है.
हाँ सर बोला कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट हाँ सर बोला अब उसका फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है पहला वाला जिसमें कंपैरिजन पूछा है हाँ हाँ सर समझा समझा भाई नोट कभी कभी खोल के पढ़ना भी है ना किसके लिए बना रहे हो नोटबुक बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारे 26 किसका है 26 किसका है जानवी नहीं सर नो चांस 26 आपका नहीं है ना नो no, सर आपको आ गया मतलब हाँ सर इसमें तो सारे हाइड्रोजन है ना वाह आई लाइक इट चलो ठीक है अब आते हैं हम लोग मोटी पे मोटी में क्वेश्चन नंबर 3 Which of the following molecules would be stabilized by the removal of an electron? Question number 3. किसका है भाई? समीरा. मोटी का थर्ड. तो मुझे भी नहीं आता. क्या कह रहे हो? बोलो भाई किसका है? तो दो लोगों का है. अरे तो बोलो किसका है वो दो लोग कौन हैं? तो मैं और अनिरुद्ध. अच्छा दोनों टॉपर हैं मतलब नीचे से. जहां भी आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है वो अनस्टेबल है तो फ्रैक्शन को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा सीएन का निकालो जरा कितना आ रहा है फ्रैक्शनल सीएन का कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 15 हो रहा है ना तो 2.5 आएगा तो अनस्टेबल नहीं हो गया अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो स्टेबल नहीं हो जाएगा तो बट सीएन में डालना पड़ता है ना सर तो ही तो स्टेबल होता है वो अच्छा अगर निकालोगे तो मुझे नहीं पता अरे तो ओफो सीएन का सम कितना 15 हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो कितना हो गया 14 हो गया अब जरा 14 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आता है प्रोटीन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा कि नहीं होगा ठीक है सर ठीक है आता है ना ये करना कि नहीं आता है सर आता है मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं सर हम लोग कॉन्फिगरेशन FO फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का होता है तो अलग ऑर्डर होता है पर ना हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं उसमें उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको बॉन्डिंग में से सबट्रैक्ट करना पड़ता है डिवाइड बाय 2 मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया सर मुझे नहीं पता क्यों भाई बाकी लोगों को शॉर्टकट आता है कि नहीं इसका बताया कि नहीं बताया मैंने नहीं सर नहीं बताया शायद नहीं किसी ने इरिटेट किया होगा इसीलिए मैंने नहीं बताया होगा ओरली क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है विदाउट टेबल टेबल बनाना ही नहीं है डायरेक्ट हो जाएगा चलो छोड़ो सिक्स के बाद थ्री पर बताइए सर नहीं नहीं वो पक्का तुम ही ने उस दिन इरिटेट किया होगा इसलिए मैंने नहीं बताया होगा सर मैं उस दिन नहीं थी क्लास में इसीलिए नहीं बताया मैंने पक्का यही रीजन रहा होगा सर मतलब मेरा होना ना होना इरिटेटिंग कॉज है हो गया चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल बिकॉज़ ऑफ ये किसने पूछा है भाई तो मैंने क्या प्रॉब्लम है इसमें सर मुझे नहीं पता तुमको प्रॉब्लम क्या है ये तुमको नहीं पता नहीं सर मुझे ये पता है नहीं सर क्या है इसका आंसर हैं
देखो सर मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा 1s और 2s आप वो रूल्स पढ़े थे ना हाँ सर वो पढ़ा है सर ये एंटी पॉडिंग है ना अरे मौका दो मुझे बोलने का हाँ सर हाँ 1s 2s को में जो अरेंजमेंट किया था ऑर्बिटल का वो किसके बेसिस पे था एनर्जी n प्लस l रूल पढ़ा था वहां पे हाँ सर ये n डिसाइड करता था ना कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम यहाँ भी वही है हाफ बाउ से ही तो रिलेटेड टेबल है ये याद आ रहा है उसमें लिखा था सपोर्टेड बाय हाफ बाउ सर हम लोगों ने वो ड्रॉ किया ठीक है बट सर मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि हम लोग एंटीबॉन्डिंग का एनर्जी कैसे कंपेयर कर पाते सर कैसे कर पाते हम अरे जो टेबल आपको जो बनाई थी वहां पर मैंने सिग्मा वन एस स्टार वो हाफ बाउ टेबल ही तो है एंटीबॉन्डिंग हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एंटीबॉन्डिंग के कंपैरिजन में तो सिग्मा वन एस स्टार अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी हाँ सर और हम लोग वन एस स्टार की एनर्जी टू एस से कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं हाँ तो n प्लस l रूल पढ़ा था उसके लिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद आप भूल गए हो नहीं सर नहीं पढ़ा आपने n प्लस l सर पढ़ा है सर भूल ही नहीं वो नहीं सर वो बोल रहे तो 1s 2s को कैसे कंपेयर करते हो आप सर n प्लस l सर पर दोनों बॉन्डिंग होते हैं ना ओफो तो एवरी टाइम बॉन्डिंग जो है एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी केस में अगर एडजेसेंट मेंबर है तो बॉन्डिंग इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग तो ये 1s के लिए बनाया ऐसे 2s के लिए बना दिया ये और सर 1s एस्ट्रिक्स को अगर 2s से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बिल्कुल आप करिए नहीं एक सेकंड एडजेसेंट को एंटी बॉन्डिंग में कंपेयर किया जाता है सर वो लोग अगर आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो भी चलेगा कर लीजिए कंपेयर n प्लस l से कंपेयर होगा हां सर ये n प्लस l से होगा सर एंटी बॉन्डिंग ऑफ 1s को हम लोग बॉन्डिंग 2s से कैसे करेंगे कंपेयर नहीं मैंने भाई हर बार फैक्टर चेंज हो रहा है जब n प्लस l लगाते हो तो पहला फैक्टर क्या होता है n होता है जब n प्लस l का सम आता है सेम तब आप चेंज करते हो फैक्टर हाँ सर तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है ये सिग्मा 1s स्टार है मैंने लिख दिया और ये सिग्मा 2s लिख दिया अब आप बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल आपको नहीं समझ में आ रहा है बताइए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में किसको स्टेबल ज्यादा होना चाहिए तो बॉन्डिंग को यही तो किया है सर पता नहीं सर आई एम मिसिंग समथिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अब तुम एक बार ना थोड़ा सा पढ़ लेना एक काम करना इसको तो मुझसे पढ़ना एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना पूरा वापस आ रहा हूँ अपनी जगह पे फोर्थ के बाद है 18 सीएसईटू किसने पूछा ये 18 किसका है किसी का है कि नहीं है मैं ना करूं छोड़ो 19 किसी का है कि अभी नहीं है मेरा है सर 19 हाँ सर बताओ बेटा प्रॉब्लम सर मेरे को ग्राफ ये नहीं हुआ चलिए मैं बताता हूँ आपको आप मुझे कुछ चीजों का आंसर दीजिएगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ठीक है इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए बॉन्डिंग फिर भाई भैया स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग अरे प्लीज क्वेश्चन सुनो फिर आंसर दो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा स्टेबल कौन सा है बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अब ग्राफ को देखिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होनी चाहिए कोई किसी को क्रॉस नहीं करता है वरना मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा अब आप ग्राफ देखिए और ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करिए जिसमें एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा और बॉन्डिंग की एनर्जी कम देखिए ग्राफ सेकंड वाले में हाँ समझा हाँ सर थैंक यू सर नेक्स्ट के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो
क्वेश्चन नंबर सेवन द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किसका क्वेश्चन डाउट है सेवन बोलो भाई. यार आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, नंबर लिखा देते हो उसके बाद भूल जाते हो. किसी का नहीं है जाने दो. 14 किसका है? 14 मेरा है. बोलो प्रॉब्लम. इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है आपको. सॉरी सर करेक्ट ऑर्डर लिख रहा था. करेक्ट ऑर्डर पढ़ लिया क्वेश्चन. अच्छा आ जाएगा ना अभी. हाँ आ जाएगा हाइड्रोजन. चलो 17 किसका है? सर मेरा. और किसी का 17? सेवेंटीन जो है ना ये पढ़ाया नहीं लेकिन अभी बता. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड्स है बनाना बॉन्ड्स. हाँ 20th किसका है? सर वो भी मेरा है. इनकरेक्ट. क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर लाइक फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे कैसे, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ रिलेटेड भी नहीं है. बाकी तो समझ गया. आपको ये किसने कहा कि सारे ऑप्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट होना चाहिए? ऐसा बोला है क्या किसी ने क्वेश्चन में आपसे? नहीं नहीं आप ये लॉजिक निकाल दो कि अगर चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है तो हर ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना चाहिए. ऐसा कहीं नहीं होता है. आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है. जरूरी नहीं है सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो. और फर्स्ट बिल्कुल सही है लेकिन ये बात ठीक है आपने पढ़ा नहीं है. डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जीरो ग्रुप में. बस यही प्रॉब्लम था कि कुछ और प्रॉब्लम है? नहीं सर बस यही था बाकी तो समझ गया था. 20th के बाद 23, 24. सर 23, 24 दोनों ही मेरा. अच्छा. फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ये आपने नहीं पढ़ा है. 24 पढ़ कर सकते हैं. 23 आपने पढ़ा नहीं है आप छोड़ सकते हैं इसको. 24 आप कर सकते हो. 24 में आपको बोल रहा है पैरामैग्नेटिक. आपको याद है मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बताया था. याद आ रहा है कुछ? क्यों भाई याद आ रहा है कि नहीं? नहीं सर इससे नोट्स वापस खोल के देखता हूँ. जरा नोट्स खोल के देखिए. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वीबीटी के टाइम पे बताया था. हाँ सर. सर आवाज आ रही है क्या? सर हाँ हाँ सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर अब आवाज आ रही है. पहले नहीं आ रही. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मिला आपको? यस सर मिला. कौन सा एग्जाम्पल मिला ऑड इलेक्ट्रॉन का? बताइए कौन सा एग्जाम्पल मिला आपको? सर H2 का लिखा है. क्या बात कर रहे हो? ये कब आया भैया? ये कब से ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया? जरा प्लीज ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी पढ़ें. सर क्या प्लीज वो ट्रिक सिखाएंगे? क्या सर एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग वाला? नहीं अभी ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं है बेटा. सर हमने आपको और परेशान कर दिया. क्या चीज? सर हमने और परेशान कर दिया क्या आपको? नहीं नहीं बात परेशान करने की नहीं है. जिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत मैटर करता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जानवी स्पेशली आपके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ सिखाया जा रहा है ना तो आप अगर आपको बी सिखाया जाए तो आप ए पे अटके होते हैं. आपको जेड सिखाया जाए तो आप सी पे अटके होंगे. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और ये आपका मतलब आज का नहीं मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ आपको ये बात के लिए.
आप ना चीजों को नोटिस ही नहीं करते हो जब आपको बताया जाता है, तब आप कुछ और सोच रहे होते हो। अभी भी मैं कौन से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ आपको गारंटी वो भी नहीं आता होगा, लेकिन आप अभी भी एमओटी की बात करो, दैट मीन्स अगेन यू आर डूइंग द सेम। अब बताओ मुझे ऑड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ मैं, आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पढ़ाया था? हाँ सर, जब हम शुरुआत में लुईस का स्ट्रक्चर्स बना रहे। ये क्वेश्चन आपको आया था कि नहीं आया 24? हाँ या ना? तो फिर आपका डाउट क्यों नहीं है? ये अगर आपको नहीं आया तो आपका डाउट होना चाहिए था, ये तो डाउट क्यों नहीं है आपका? इसका मतलब तो आपने सॉल्व भी नहीं कर लिया था सर, आपने तो बताया था 1.5 एक का बॉन्ड ऑर्डर होगा, एक का 2.5 होगा, उससे करना है ऐसा कुछ। क्या बात कर रहे हो, मैंने कभी नहीं बताया, सॉरी ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, ऐसा कोई कंसेप्ट लगने वाला भी नहीं इस क्वेश्चन में। आंसर कैसे निकाल दिया तुमने, फिर सॉल्व कैसे किया तुमने इसको? सर हमने किया सर, एनओ का 2.5 पेयर किया था हमने। अच्छा, ये तुमने 25th क्वेश्चन की, 24 क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, ये कहां बताया है मुझे बताओ प्लीज। तो जब हम लुईस स्ट्रक्चर्स बना रहे थे सर, लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे तो क्या बताया था मैंने सर? तब आपने बहुत सारे ड्रॉ करने को दिए थे और शायद आखिरी केस था जब आपने बोला था इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो BCl2 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिच, और उसके बाद हम लोगों ने NO और NO2 भी बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया था उसके बारे में? उसके बाद NO2 का हम लोगों ने किया था, NO2 याद नहीं सर, NO का याद है जो 2.5 पर आया था। नहीं, बट मैंने ये पूछ रहा हूँ कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताओ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में तो NO2 NO है ही नहीं, तो वो नहीं पता मुझे। तो क्वेश्चन कैसे नहीं आया, अगर नहीं आया तो आपने पूछा क्यों नहीं ये क्वेश्चन? गलत तो ये बात है ना, और फिर हम 24 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझसे MOT पूछ रहे हो, तो अगेन वही कर रहे हो, फिर चार दिन के बाद आपको ये क्वेश्चन भी डाउट आ जाएगा जब हम कुछ और बता रहे होंगे तो। चेंज योर हैबिट, चेंज योर हैबिट। हाँ भाई, पैरामैग्नेटिक ढूंढ पाए आप ऑड इलेक्ट्रॉन? किसी को आया ये क्वेश्चन? सैंडविच कंपाउंड्स आपने बोला था ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अरे अंकल, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं, वो ऑड एटम्स हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन है। खाने पीने के जुगाड़ में लग गए तुम तो यार। कोई बता रहा है? हद है भाई। देखिए जरा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आइडेंटिफाई अगर कभी करना है तो दो तरीके हैं। जो प्राइमरी मेथड है वो तो ऑब्वियसली कंसेप्ट है, ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑड है, आपका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा आपको पता चल जाएगा ऑड है, ये कंसेप्ट है। अब अगर आपको ट्रिक से करना है तो उसका ट्रिक ये है कि आप हाइब्रिडाइजेशन वाला शॉर्टकट लगाओ, और अगर हाइब्रिडाइजेशन ना निकले तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने सिखाया था आपको। यहाँ गिवन ऑप्शंस जो हैं उन पे जरा आप हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट लगा के देखो। निकालो इन पे जरा हाइब्रिडाइजेशन, CLO2 का क्या आएगा और CL2O का क्या आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। बोलो सर, 16 आता है, फिर 70 आता है। 16 किसका आ रहा है? 1A का, CLO2 का? हाँ सर, 50 इलेक्ट्रॉन CLO2 में, 50 इलेक्ट्रॉन। मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है वो बताओ प्लीज, तो भगवान जाने बात क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हो, बोलो भाई। सर 19 और 20, 19 आ रहा है, 19 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ,
हाँ सर और प्लीज नहीं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, वो आपका चॉइस है, उसमें टाइम लगता है लेकिन आ जाएगा उससे। ये हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलो जरा नेक्स्ट पर आ जाते हैं अपन। ये तो खत्म हो गया ना, एक ये बताना था मुझे 17 वाला ना, चलो बता देते हैं। ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये आगे सब एस ब्लॉक पी ब्लॉक में तो आएगा ही, बहुत सारे केसेस आते हैं, और अभी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर B2H6, 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन है, इस तरीके से इसे अरेंज किया जाता है। ये हो गया, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मैं पहले ये इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। ये आपका B2H देख सकते हैं, इसके जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? हाँ जी, 1। आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, बीच वाले हाइड्रोजन ने? 2। तो हाइड्रोजन को तो 2 बॉन्ड बनाना अलाउड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे में क्या होता है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन ये अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता है, बल्कि क्या करता है, डीलोकलाइज्ड होता है। कैसा होता है? ये केमिस्ट्री का टर्म है, डीलोकलाइज, मतलब लाइक अ पेंडुलम, इधर उधर दोनों तरफ पार्टिसिपेशन रखता है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, पार्शियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल बॉन्ड, ठीक। इन 4 हाइड्रोजन को जो बाहर होते हैं इन्हें हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो बीच में होता है ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है, इसे हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद एटम्स की काउंटिंग देख लीजिए जरा आप, जिसके बेसिस पे इसकी नंबरिंग की गई है। सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 2, सेंटर नंबर 3, तो 3 सेंटर और 1 इलेक्ट्रॉन। सर अब म्यूट हो गए। आवाज आ रही है आपको? सर फीबल। सर थोड़ी लो है, काफी लो है आपको? नहीं सर, बहुत दूर से ऐसा लग रहा, बात कर रहे हैं आप? बोलिए भाई। नहीं सर, भी बहुत धीरे, अभी भी लो है। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ देखिए, 3 सेंटर हो गए, और मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, ड्यूअल बिहेवियर है, तो ड्यूअल बिहेवियर को हम 2 बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मीनिंग इस बात का? यस, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ शेप, आप ध्यान से देखें, ये शेप जो है, बताएं आप, एप्पल की तरह है कि ऑरेंज की तरह है? बनाना की तरह। बनाना की तरह है, तो फिर आप इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोल दीजिए। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। फिर बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, हाउ मेनी बनाना बॉन्ड्स इन दिस B2H6, कितने बनाना बॉन्ड है? 2। फिर और भी इलेक्ट्रॉन काउंट्स पूछा जाता है, ये सब चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएगा। ये पी ब्लॉक का है ये कंपाउंड, छाप लीजिए फिलहाल, क्योंकि कहीं तो क्वेश्चन आया था। हाँ कर लीजिए कॉपी, और जितना भी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम गेट इक्विप जेई मेंस एडवांस, जितना भी है ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट, इवन मोर देन वाला भी, पैसेज आल्सो, एवरीथिंग, इवन मैच, एक्सेप्ट एसएलएसएन रीजन विल डिस्कस होल चैप्टर। फाउंडेशन बिल्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे हम रिपीट नहीं करेंगे,
अदर देन दैट पूरा चैप्टर हमने करना है नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपने कर लिया सॉल्व, वेल एंड गुड, नहीं किया तो मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है सर, क्लियर है गाइज? और प्लीज इनको, अब अगर ये ऐसा लग रहा है कि हमको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो रेफर टू वीडियो और रेफर टू योर बुक, जो भी आपके पास है रेफरेंस बुक, प्लीज पढ़िए. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग अकेला ऐसा चैप्टर है जिसका इंपॉर्टेंस जेई एडवांस तक बना रहता है. ये सारे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं. अगर आपको यही चैप्टर नहीं आया तो आप आगे भी सीखोगे क्या फिर? ठीक है. सर, MOT का शॉर्टकट अभी बता सकते हो? सर, वो शॉर्टकट यही है क्या कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 होगा. बराबर, सही सही है. मैंने बाकी बैचेस में बताया है, बाकी सारे बैचेस में बताया है, हमें लगता है सिर्फ आपके बैच को नहीं बताया. फिर वो 2.52 ऐसा होता है ना? हाँ, कम होता जाएगा. आप वीडियो देख लीजिएगा बाकी किसी भी बैच का, MOT का, सबको सिखाया मैंने. ओके सर. अब आप लोग सब जीनियस हो तो मुझे लगा फिर शायद जरूरत ना हो आपको. चलो खैर, गुड बाय. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर.